नमस्कार, मैं हूँ रश्मि सोइन। आज फिर आपके सामने एक कहानी लेके आई हूँ। दोस्तों, कोलोराडो के गोल्ड रश के दौरान एक इंसान खुदाई कर रहा था। उसने सोचा कि मैं अगर खुदाई करता रहूंगा तो मुझे एक दिन जरूर सोना मिलेगा। तो उसने कई महीनों तक लगातार खुदाई की, पर जब 4-5-6 महीने हो गए ना, तो उसकी ना हिम्मत जवाब देने लग गई। मेंटली और फिजिकली दोनों उसी तरह से उसे लगता था कि वह थक गया। उसे लगता था कि अच्छा, मैं खुदाई करता जा रहा हूँ, मुझे रिजल्ट तो मिल नहीं रहा, कोई सोना तो दिख नहीं रहा मुझे। तो एक दिन उसने डिसाइड किया कि ये काम करने का अब और कोई फ़ायदा नहीं है, अब मैं कुछ और करूँगा। और उसने वो काम किसी और को दे दिया। तो जो नया व्यक्ति था जिसने टेक ओवर किया था, उसने आर्किटेक्ट को बुलाया। तो आर्किटेक्ट ने उसे बताया कि सिर्फ 3 फुट और खुदाई करोगे तो आपको सोना मिलेगा। उसने खुदाई की, उसे सोना मिलेगा। पहले व्यक्ति ने अगर 3 फुट और तक खुदाई की होती या इतना सबर रखा होता तो उसे भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलता। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जिंदगी में भी हमेशा ऐसे होता है। जब हमारी सिचुएशंस मुश्किल होने लगती हैं, जब परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं जिनसे हम घबरा के हिम्मत हारने लगते हैं, वही तो वक्त होता है हिम्मत रखने का। उस टाइम में अगर हम थोड़ी सी हिम्मत रखें, थोड़ा सा सबर रखें, थोड़ा सा आगे बढ़े, डटे रहें, तो कोई भी चीज़ हमें कामयाबी को पाने से नहीं रोक सकती। जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए।